नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो एक हमारी सीरीज चल रही है बिहार करंट अफेयर 2023 की, उसमें पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। सभी प्रश्न यहीं से आएंगे और अगर आप सीपी स्मार्ट क्लासेस से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज और कोर्सेस बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 27वां जनता दिवस मतलब स्थापना दिवस मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय बहुआया अमीर गरीब सूचकांक में बिहार के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य कौन है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार ही माना गया है अभी। और बिहार में राजकीय मलमास मेला जो जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। मेले से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, मेले वगैरह के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रह्मा कुंड परिसर, राजगीर, नवादा जिला में, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। तो मुकेश कुमार जो है वो गोपालगंज जिला के हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गेम्स अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाएगा। तो ये नालंदा में किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार कौन सा राज्य हो गया है, छठा राज्य हो गया है। इसके पहले 5 राज्य खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके हैं, बिहार छठा राज्य बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त या किसे किया गया है। तो अश्वमेघ देवी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, राजेंद्र कुमार और शंभु कुमार सुमन को। तो ये इम्पोर्टेंट होना नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया है, इससे क्या लाभ होगा। मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया गया, इससे क्या लाभ क्या होगा। मौसम की सटीक की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया गया जून 2023 में यह लॉन्च किया गया है मौसम बिहार। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि मौसम की जानकारी की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो मौसम बिहार देंगे, बिहार का मौसम ऑप्शन देंगे, या फिर इस तरह के 3-4 ऑप्शन बना देंगे। तो मौसम बिहार आपको याद रखना होगा। बिहार के किस जिले में बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन शुरू की गई। तो ये अररिया जिले में शुरू किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि रेलवे वगैरह का जो शुरू किया जाता है तो वो आता है एग्जाम में। बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दरभंगा जिले की सोनी चौधरी को जो है मैथिली लोक गायिका अवार्ड दिया गया है, मैथिली लोक गायिका बिहार रत्न अवार्ड जो है दरभंगा जिले की सोनी चौधरी को दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भूलिएगा नहीं। आगे कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में भारत की 100 टॉप यूनिवर्सिटी में बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है। 100 टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाई गई है, उसमें बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हाल ही में रवि सिंह को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह किस राज्य से है। बिहार के भोजपुर से हैं। आपसे जिला पूछा जा सकता है कि किस जिले से है, वो ये पूछेगा कि हाल ही में बिहार के रवि सिंह को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो बिहार के किस जिले से है। 4 जिलों का नाम दे देगा, उसमें से आपको भोजपुर पे टिक करना होगा। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये पटना में रखी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तीनों इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको याद रख लीजिए। बिहार के पहले वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली, ये भी चौथा भी, पटना और रांची के बीच में चली 27 जून 2023। वंदे भारत ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न आता है। आप बिहार से हैं और बिहार में ये ट्रेन चली है, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। डेट भी पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ तक पूछ सकता है,
तो इस एक सेंटेंस से चार पांच तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकले झांकी में से किसे प्रथम पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को एवं दूसरा पुरस्कार जीविका को मिला। तो हमने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कितने विभागों ने वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, तो उसमें से कृषि विभाग को पहला पुरस्कार मिला। अच्छा प्रश्न है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विद्येश्वर पाठक का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंधित थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर जिले की बात आएगी वो सारे जिले वाले प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैशाली से थे। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GDP सेक्टर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? सकल घरेलू उत्पाद में 10.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला। पहली बार बिहार में 5 जीविका दीदी की रसोई को किया गया ISO प्रमाणित। दीदी की रसोई और 5 जीविका दीदी की रसोई जो है उनको प्रमाणित किया गया और इनको दूसरा पुरस्कार भी मिला। आपने अभी देखा पिछले प्रश्न में कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इनको दूसरा जीविका को दूसरा पुरस्कार भी मिला है। अगस्त 2023 में बिहार का पहला कॉलेज कौन है जिसे नेट द्वारा A+ ग्रेड दिया गया? N कॉलेज पटना। इम्पोर्टेंट प्रश्न। भारत की सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार के पटना में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक नई चीज़ बनी है, भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, बिहार के पटना जिले में बनाया गया है। तो दोस्तों इस सीरीज में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।